नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम HTML का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, साथ में आपको क्या पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को बनाना चाहिए, और साथ में अगर आपको HTML का कुछ नहीं आता है तब भी आज इस वीडियो के देखने के बाद आप HTML का कम्प्लीट आप प्रोग्राम बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको HTML का प्रोग्राम किस पे बनाना है और किस पे रन किया जाएगा, आज कंप्लीट आपको गाइड करने वाले हैं। तो ये HTML की पहली क्लास है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हैं कि आप HTML यूज कर अपना पहला प्रोग्राम बनाकर किसी दूसरे दोस्त को इम्प्रेस बढ़ा सकते हैं। आपको पता भी होगा कि आप जितने वेबसाइट देखते हैं वो सारे HTML से ही डेवलप किए जाते हैं, बस उसमें कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसको मिलाकर एक वेबसाइट बनाया जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस करते हैं कि आपको आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना बताएंगे कि आप HTML का छोटा सा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और आपको कौन कौन से चीज यूज करना है प्रोग्राम बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोस्तों, आपको HTML का प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पास एक एडिटर होना चाहिए। एडिटर का मतलब होता है जिसमें अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं एडिटर। उसके बाद दोस्तों, जो आप प्रोग्राम बनाए हैं उसको रन करने के लिए आपको आवश्यकता होती है ब्राउजर की। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे वेबसाइट होती हैं वो क्या होती है, एक तरीके से ब्राउजर होते हैं जिसमें हम अपने कंटेंट को देख सकते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे हमारी वेबसाइट है w3jdm.in जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो वेबसाइट भी HTML के माध्यम से ही डेवलप किया गया है। या आप सरकारी रिजल्ट देखेंगे वो भी ये सारे जितने वेबसाइट है ये सारे HTML के ही माध्यम से डेवलप किए गए हैं। तो दोस्तों, बात मेन मुद्दा आता है कि आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए एक ब्राउजर की आवश्यकता होगी। अब वो ब्राउजर आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम कुछ सजेशन देते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये पहला आजकल बहुत ज्यादा लोग जानते हैं गूगल क्रोम। तो इसमें आप इजी तरीके से अपना प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का भी है एज जिसमें आप अपने प्रोग्राम को इजी तरीके से रन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं रन करने का। अब बात करते हैं जो एडिटर होता है, ये भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट दो एडिटर ज्यादा होते हैं, जो कि इसमें पहला होता है नोट पैड, उसके बाद दूसरा आता है नोट पैड प्लस प्लस, जो कि इसमें थोड़ा सा एडवांस रहता है। एडवांस इसलिए होता है दोस्तों, इसमें हम कुछ एक बार टैग को सेव कर देंगे, उसके बाद जो भी टैग हम देंगे तो उसमें सजेशन देता है कि आपको ये टैग इस तरीके से लगाना है, इसके वजह से थोड़ा से नोट पैड प्लस प्लस एडवांस रहता है। तो काम दोनों का सेम रहता है, बस उसमें आपका टाइमिंग बहुत कम लगता है जो नोट पैड प्लस प्लस है। तो अब चलिए मेन मुद्दा आता है कि आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं HTML का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करिए, या आप नॉर्मल तरीके से आप स्टार्ट में जाकर नोट पैड टाइप कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, उसके बाद नोट पैड यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है ओपन। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नोट पैड यहाँ पे इजी तरीके से ओपन हो गया है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे इसको पहले हम बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला प्रोग्राम रन करने के लिए यहाँ पे HTML में टैग चलाया जाता है। अब वो टैग कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टैग होता है HTML। HTML का जो टैग होता है जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पहला टैग होता है जिसे आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद दूसरा टैग होता है, आप इंटर कर नीचे आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है, इसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं लेस देन, उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं HTML। जो आप टैग ओपन करेंगे उसको आपको क्लोज भी करना है। जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओपन किया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्लोज भी कर दिया है। तो जो आप ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना है, ये चीज आपको बैठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक टैग कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा प्रोग्राम रन करने के लिए आपको दिखाते हैं कितना इजी स्टेप है आपको यहाँ पे HTML में यूज करना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब दूसरा टैग चलता है यहाँ पे हेड का। देखिए जैसा कि हमने हेड लगा दिया, अब हेड किस लिए लगाते हैं ये भी आपको आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे। तो नॉर्मल तरीके से आप हेड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, हम हेड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
यहाँ पे उसके बाद एक और टैग देते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है टाइटल TITLE। आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसमें बहुत लोग रॉन्ग लिख देते हैं जिसकी वजह से जो प्रोग्राम होता है रन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइटल हो गया। टाइटल को हम करते हैं यहाँ से इजी तरीके से, यहाँ पे हम क्लोज। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको टाइटल देना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML फर्स्ट, यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट प्रोग्राम इजी तरीके से आप लिख देते हैं PR। उसके बाद आपको टाइटल जिस तरीके से आप ओपन किए हैं उसी तरीके से टाइटल को कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको इंटर हिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टैग और चलाना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो टैग है बॉडी, जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉडी टैग हो गया। बॉडी टैग को फिर से आप यहाँ पे क्लोज भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने इसको क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे आप जो भी मैटर लिखेंगे दोस्तों तो ये सारा बॉडी के अंदर आएगा। और टाइटल का मतलब होता है कि जब आप वेब पेज पे विजिट करते हैं, किसी का नाम डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट जो नाम डालते हैं वो टाइटल के ही बेस से फाइंड होकर आता है कि इस नाम से वेबसाइट यहाँ पे चल रही है। तो ये मेन मुद्दा आता है टाइटल का। तो अब दोस्तों यहाँ पे बॉडी में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके वेब पेज पे शो होगा, दिखाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देते हैं H1। H1 क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से जान लेते हैं कि H1 एक सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML में। उसके बाद H2 जो होता है इससे छोटा होता है, तो चलिए इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Welcome to, यहाँ पे इजी तरीके से लिखते हैं Welcome to शिवम कंप्यूटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद H1 को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। अब रन करने का तरीका आपको बहुत ध्यान से समझना होगा तभी आप इसको रन करा पाएंगे, नहीं तो आप रन नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों तरीका क्या है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कंट्रोल यस। जैसे आप सेव करते हैं, लेकिन इसमें सेव करने का थोड़ा सा तरीका अलग रहता है। आपको जहाँ पे भी इसको रखना है, जैसे हम डेस्कटॉप पे रखते हैं, आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट वाला इसको कर देना है डिलीट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि देना है मान लीजिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, तो लिखना है आपको यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डॉट, डॉट का मतलब जो बिंदी वाला होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन है HTML, यानी HTML का आप जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको एक्सटेंशन है HTML डालना होगा, यानी .html आप डाल सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रोग्राम रेडी हो गया है रन करने के लिए। अब इसको चलिए हम दिखाते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है फर्स्ट नाम से ब्राउजर पे ऑटोमेटिक सेट हो गया। अगर ये .html नहीं लगाते तो ये ब्राउजर पे शो नहीं होता। चलिए इसको डबल क्लिक करके हम इसको रन करके चेक करते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है ये आया है या नहीं। अगर फर्स्ट टाइम आप रन करेंगे तो आपको बहुत सारे सजेशन देगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज में ही इसको ओके कर देते हैं और प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है पहला प्रोग्राम बन गया है। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस कर कर दिखाते हैं। मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे जैसे इसको हम छोटा कर दिए, अब यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम जो हम बनाए इसको भी हम छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि आप चेंजेस को कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वेलकम टू शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स CORSE कोर्स हमने इतना लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम सेव करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है जो भी हम यहाँ पे कोर्स लिखे। लेकिन इसको आप जैसे यहाँ पे रिलोड का है या F5 प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाता है, जैसा कि देख सकते हैं जैसे हमने F5 प्रेस किया तो यहाँ पे कोर्स ऐड हो गया। तो दोस्तों इतना ही स्टेप होता है HTML में प्रोग्राम रन करने का, ब्राउजर में रन करने का और उसको चेंजेस कर रिफ्रेश करने का। तो देख सकते हैं कितना इजी स्टेप है। तो ये पहली क्लास है, आपको अगले क्लास में इससे भी बेस्ट बताने वाले हैं तरीका कि आप जो HTML होता है इसको क्यों यूज करते हैं और साथ में इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किया जाता है और किसको क्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं कि जो HTML लिखा है इसको बोलते हैं एक तरीके से टैग। तो इसी के से रिलेटेड और भी बहुत सारे मटेरियल इसमें यूज होते हैं जिसका नाम अलग अलग है, आपको नाम पता होना चाहिए।
तो दोस्तों इसी की तरह हम अगले वीडियो में मिलते हैं और आपको बताएंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर उसको चेक करिए, अगर आपको ये प्रोग्राम रन होता है तो आपको एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।